क्रिकेट यार किसी विदेशी प्लेयर से थोड़ा नहीं कोई जीतेगा। क्रिकेट देखो यार भाई, इंग्लैंड वाले भी वही खेलते हैं, इंडिया वाले बस बस क्रिकेट क्रिकेट है, क्रिकेट क्रिकेट है ना, बॉल गेम वही, हर वही कुछ सही बात है। नहीं बल्लेबाज ऐसे तो खड़ा होता है, ये थोड़ा ना इंग्लैंड का ऐसे खड़ा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है आउट होने के लिए चाहे इंग्लैंड का बल्लेबाज, इंडिया का हो चाहे गाँव का प्लेयर, एक बॉल चाहिए। फैसल भाई देखो भाई आप ही लगा है ना, राइट हम होता मीडियम का मोला गेंबल चले बोला सही के ना संग्राम गुलशान दूसरी गेंद के लिए ऑफिस गेंद स्ट्रेट ड्राइव खेला है। हाँ देखो जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अब तक तीसरी गेंद और लेग साइड पर खेला है। खूबसूरत शॉट बलशान के बल्ले से निकला खूबसूरत शॉट लेफ्ट साइड के जारी खेला है बल्लेबाज खूबसूरत खूबसूरत खेली जहां पर चार होने चाहिए वहां पर एक से तब्दील किया। जबरदस्त फील्डिंग जबरदस्त फील्डिंग चलिए बॉलर चले एम्पायर को क्रॉस किया उनकी गेंद नाउस्टन के कवर के ऊपर से गेंद लिया है। खूबसूरत शॉट चार रन के लिए रुकपुर क्या चल रही है। रवि रवि गोल के बल्ले से निकला ये खूबसूरत चौका ड्रेसिंग रूम से आवाज आती हुई रवि रवि उनके लिए भी तालियां रोमन 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 स्वयं कैप्टन काफी जोश और हरोश में वन डाउन पर बल्लेबाजी करेंगे। पार्सल दूसरा ओवर लेकर आ गए हैं।
जितने लंबे कद के गेंदबाज है उतनी ही लंबी कद की सवाल भी है इनकी। यूपीएससी आईसी की ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट होता हुआ चले लंबे कद के गेंदबाज फैसल अच्छी गेंद उतना ही अच्छा शॉट खेला है खूबसूरत शॉट छह रनों के लिए दोनों तरफ से बारिश होती हुई दिलशान के बल्ले से छह रनों के साथ सत्रह रन दूसरा ओवर चलता हुआ परेशान बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं फासल चले एम्पायर को क्रॉस किया और छोटी हुई गेंद पेशकार विकेट कीपर ने पूरा किया विकेट कीपर अच्छे आई बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए ऑस्टन के बाहर वाइड करार दिया एम्पायर निशान ने अठारह रन हमारे साथी स्कोरर देव ने बताया अठारह रन चले फैसला राउंड गेंदबाजी करते हुए काफी कंधे का इस्तेमाल करने की कोशिश की वाइड करार दिया एम्पायर ने अब तक की काफी दबाव बना के रखा है दिलशान ने अपनी बल्लेबाजी से उन्नीस रन दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज चले और लेफ्ट साइड पर खींचा और स्टंप की गेंद को लेफ्ट पर खींचा एक ही रन होगा पहलकर्मी करते हुए एक रन खूबसूरत सा एक रन पूरा किया बीस रन दूसरा ओवर चलता हुआ स्वयं कैप्टन स्ट्राइक पर आते ही खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल किया एक ही रन होगा अमन के द्वारा खूबसूरत फील्डिंग 21 रन पहले फैसल राउंड गेंदबाजी करेंगे दिलशान के लिए एक ही रन जड़ से खोटा गेंद को जमीन से निकालकर लेफ्ट साइड के सामने खेला एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन सुबह की तरह तमाम दर्शक फिर मौजूद होते हुए शाम की सायकाल का समय है तो फिर भी उल्टोस गेंद जिसे पैट टकराई ओवर की समाप्ति 22 रन दो ओवर की समाप्ति पर लगभग 14.5 के रन से रन बनाना होगा 22 रन 11 के रिक्वायर्ड से रन बना रहे हैं अवस्थुरम राय उसके बल्लेबाज इस रफ्तार को भाग देनी होगी रफ्तार में तेजी लानी होगी इन बल्लेबाजों को खासतौर पर दिलशान को जो काफी देर से ग्राउंड पर मौजूद है चले बोला अमन बेहतरीन शॉट खेला है छह रनों के लिए दिलशान ने मेरी बात को करारा जवाब देते हुए दिलशान 28 रन अमन लंबे कट्टे अमन जिन्होंने बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की थी पहली इनिंग में एम्पायर को क्रॉस किया उन्हें नसीहत की है दिलशान ने हर लग के जाने आरिफ भाई की तरफ से एक तोहफा है तीसरा सिक्स मारने पर दिलशान को 250 रुपए का नगद पुरस्कार फोन पे के द्वारा दिया जाएगा हाँ जीएसटी भी पड़ेगी इसको 18% 18.5% पड़ेगी चले सिद्धेश एक गिर जाए यार नीचे भाई एक मौका है एक पेरेंट गिर जाए नीचे इंसान के लिए रोमांच कितने ला सकते हैं इंसान
तब तक क्रीज पर है वो। भले अमन ने अपनी साइड को चेंज किया, लेकिन मौका भी छोड़ दिया है। नो बॉल है, अभी भी ऑफर है। रहते हैं ऐसे मौके होनहार लोगों को मिलते हैं। फिर एक मौका और है अभी पास, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। शॉट होती हुई, अच्छी गेंद, जड़ में गेंद, पर शॉट में तब्दील नहीं कर पाए। ऐसे 35 रन, तीसरा ओवर चलता हुआ, स्नीकर शॉट खेला, बिल्कुल पल्ले के करीब आकर क्लिप के जानिब खेला, उनको दिशा दी एक रन के लिए। और तीसरा स्कोर 12-13-14, और किस रन चले गेंदबाज अमन, अच्छा शॉट, बैक फुट पे आकर खेला कवर के जानिब एक रन के लिए। तो एक रन के साथ टीम का स्कोर 39 रन। ट्रावल अपनी मुकाम पर 39 रन। चले गेंदबाज अमन, और मानो कब जीत लिया है, इस तरह का माहौल इस विकेट के जाने के बाद। आपकी भी बारी आएगी, बेहतरीन बल्लेबाजी की। ठीक है, हाँ करो भैया, तीन ओवर की समाप्ति पर 45 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर लेकर आए हैं अस्मान, अस्मान को गेंदबाजी के लिए आया है। फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त, दुरुस्त खिलाड़ी, टाइम मिला कतरन आपके अमन, अपनी अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाज की बेहतरीन गेंद, अदनान की औस्तन के बाहर, विकेट कीपर अच्छे ने शेष का अंतुला किया। बिल्कुल स्पिनर के माफिक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया, विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने काफी अच्छी कोशिश की, विकेट की तरफ से बाहर, एक ही रन होगा, सिक्स, काफी भारी स्कोर। अब तक की बेहतरीन ओवर की नुमाइंदगी करते हुए आसमान, छोटे कटके उस गेंदबाज ने अब तक की कोई भी मौका नहीं दिया है। अब अक्रम रहा इसके बल्लेबाजों को, भाई कैमरा मैन आलोक, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने काम पर तन्मन से करें, आगे कहाँ को आगे, आपके लिए भी प्राइज है, हर काम का एक प्राइज होता है। अबे दिखाओ तो जल्दी आओ, खड़े हो अमन, ये भाई शाबाश वाले का शाबाश वाले, चलिए गेंदबाज अदनान, उनकी अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए पैर पे टकराई, इनके ओझो खरोच से काफी अच्छा,
और इनकी जर्सी का नंबर बड़ा ही खूबसूरत है, 796। तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत नंबर है, बहुत लकी नंबर है। अलहमदुल्ला बहुत अच्छा नंबर। ऐसे और गुजरे ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति में 45 रन, 3 रन दिए सिर्फ 3 रन, बहुत ही किफायती हुआ अदनान के द्वारा। इमाम मैं पीछे सा सिंगल डबल जा दूं। फिर से गेंदबाज आ चुके हैं, राइट आर्म ऑन द मिड, राइट आर्म और द मीडियम फास्ट रंजीत, आज नंबर जर्सी में राइट हैंड गेंदबाज, काफी दूर, सारे 36 रन होंगे, 2 रन होंगे एक फाइट का और एक अतिरिक्त का। इन 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 44 रन। हमारे साथी खिलाड़ी, हमारे साथी स्कोरर वो भाई ने बताया 44 रन। रंजीत गेंदबाजी करेंगे पवरियन छोर से बल्लेबाज को, नीचे रहती हुई एक दूसरे प्लेयर हौसला अफजाई करते हुए लॉन्ग रन और लॉन्ग रन के फील्डर लगातार चले रंजीत दर्शकों में काफी खामोशी,
लगभग 17 रन चाहिए और फील्डर में तब्दीली करते हुए पहली ही गेंद सचिन की माफिक करते हुए छोटे घटके लेकिन काम बहुत ही अच्छा निकाल दिया ने अच्छी फील्डिंग अमन के द्वारा जहां पर 4 रन होना चाहिए तो वहां 1 रन अमन जायसवाल द्वारा बेहतरीन फील्डिंग दोनों साल में दक्षिण बल्लेबाजी की एक बेहतरीन बारिश की छक्कों की मंजिल बहुत दूर है लेकिन काफी करीब है छोटी गेंद और बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर 6 रन 6 है किसान भाई का इशारा 6 रनों के लिए आरिफ भाई का लक अच्छा लक निकला तेरे भाई का थोड़ी ना मार कबूतर भाग गया जाल में भाई चलिए बस चले अपना नगरी गेम चले घुमाना नहीं जाता खड़े खड़े खेल खड़े खड़े सोनू वाइटेस लाई तो छक्का खड़े खड़े खेल आराम से कहीं तो उससे बाउंड्री मारे अगली गेंद पे बहुत बॉल है अभी अरे क्या भैया गजब हाल है यार तुम्हारा तो 5-6 फुल टॉस खा गए भाई अरे ओवर की समाप्ति रन सोनू ओए सोनू अपना बुद्धि नहीं लास्ट बॉल गिन का बात ओके हो जाए तेरा आउट खड़ा रहो स्टंप पे पांच गेंद पूरा खेल अपना खड़ा हो गए बस 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 चार रन शेष है 24 गेंदों में 72 रन चाहिए बेहतरीन कवर ड्राइव किया है पहली गेंद पर और ये चार ऐसे मौके देंगे कुछ भी हो सकता है नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है चार रन मोनू गांधी वालेकुम सलाम सर क्या हाल है अस्सी रन आशा की किरण अभी भी बाकी देख रहे हैं भैया इसके लिए जब तक ये बल्लेबाज मौजूद है क्रीज पर रन 10 रन आ चुका है इस ओवर में इसको कहते हैं नसीहत करेगा मैं तुझसे आगे करूंगा इस ओवर में बेहतरीन दो शॉट देखने को मिले रन अब तो कुछ सूरज की किरण दिखने लगी है अगर इस ओवर को काफी बड़ा कर लेते हैं सर चले पवेलियन जोर से अच्छी गेंद डबल भाग जोर राय दे बे कह रहे हैं आपने अपना काम कर लिया है अभी मेरा काम बाकी लग पाई की तरफ पर एक रन और
भाई हेलो हेलो भाई थोड़ा सा बाहर खड़ा बाहर थोड़ा सा हाँ बस रोनू की भूख अभी भी कम नहीं। दरअसल बहुत ही अच्छे गेंदबाज गेंद पे क्या करते हैं गेंदबाज को क्रॉस किया वो पूरे चांस बनता था तो भी मना किया काफी खिलाड़ी ने रन लेने के लिए कई मामला हो सकता था। अवस्पुरम नाकामयाब हुए अभी भी मानसून दूर लेकिन हौसले काफी मजबूत अलग तुरंत दोनों टीमें बहुत ही अच्छी बोले फाजल काफी मुश्किल नहीं है लक्ष्य लेकिन एक बड़ा ओवर चाहिए टीम को जीतने के लिए और अगर अलमारी को जीतना है तो उन्हें विकेट निकालने होंगे या फिर टोट करने होंगे। बड़ा ही कंटेस्टिंग मैच है अभी भी अमन पर आजमा है अंबारी के कैप्टन ने अगला अमन करेंगे सामने है सोनू थोड़ा और अमन बाहर खड़े हो वही बल्लेबाज आते ही शुरुआत की थी ठीक है ऐसे ही मिलेगा शाबाश तो 7 छक्के और लगाने इस मैच को जीतने के लिए मात्र 7 छक्के चाहिए और गेंदें बची हैं 16 गेंदों में 7 छक्के अरे दब रही है भाई वो बॉल दब रही है पहले से ही दूसरी बॉल मंगा लो दब रही है वो पहले दब रही है अच्छा आ गए आ गए सात छक्कों की जरूरत है मात्र 16 गेंदों में 7 छक्के भाई अमन थोड़ा बाहर खड़े हो 16 होते हैं अभी भी मुमकिन नहीं नामुमकिन है अमन अभी भी 15 गेंदें शेष है मैच काफी दिलचस्प मोड़ पर इन 3 गेंदों पर काफी कुछ डिपेंड करता है चले अमन लंबे कट के अमन पवेलियन 6 सेकंड बाजी करते हुए शॉट है वेल शॉट बहुत ही लंबा कवर के ऊपर से छक्का 6 छक्के और चाहिए बस शॉट
14 गेंदे 6 छक्के। भाई थोड़ा बाहर खड़े हो आप, लाइव दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बाहर खड़े हो ना आप। बस 14 गेंदों में 6 छक्कों की जरूरत है। 14 गेंदे शेष है, 14 गेंदों पे भाई बाहर तो जाओ। मैच इधर भी जा सकता है, मैच उधर भी जा सकता है। जो क्रिकेट में अच्छा करेगा उसी के साथ आग उसी के साथ देता है। चार हो गए भैया, चलिए ठीक है, दो बॉल खिलाइए। जो बॉल अभी बाकी है एम्पायर साहब, दो बॉलों के बाद रिटायरमेंट दे सकते हैं आप। ठीक है, आप तो तजुर्बे कार एम्पायर है। चले अमन, अमन की दो गेंदें अभी बाकी, बहुत ही अच्छे मोड़ पर। चले ठीक है, शाबाश, बहुत ही लंबा छक्का, 5 छक्के चाहिए बस, 5 छक्के, 13 के नौ, 5 छक्के, 13 के 5। तेरा गेंदों में शेष 45 रन चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल लव से पकड़ के बैठे हैं। चले एम्पायर को क्रॉस किया, छोड़ दे शाबाश, बहुत बढ़िया, 80 रन भी हो सकता था, डबल बा ठीक है ना, आती है चाहिए। और 38 रन चाहिए यहाँ से जीत के लिए, 5 छक्के मैच को बनाने के लिए चाहिए बस। यहाँ रहते तो भाई आनंद तो रहता है, खत्म नहीं होता, ऐसा ही रहता मैच, वो थोड़ा सा सहयोग हो जाता उसका। अगर होते तो चोट ना होती तब तक काफी कुछ। हाँ चोट ना होती तो शॉट आपके पास। रन मत छोड़ना भाई, रन मत छोड़ना, अब रन नहीं छोड़ना, अब तो मैच इस समय बिल्कुल ही फंसा हुआ है। 12 गेंदों में मात्र 36 रन चाहिए, यानी कि 6 छक्के। फुल टॉस गेंद नहीं मार पाए, हाथ में ही रह गए। अरे खुद ही चले आओ तो क्या करवा, जी का कोलन तो दोनों जगह लाइक चल रहा। हां दोनों चल रहा, मामा तो बहुत तगड़ा दिख रहा है। हां तो बहुत तगड़ा दिख रहा है इसमें, इसमें हां मतलब शॉर्ट बाउंड्री है ये, सोना होना सब पड़ा शॉर्ट बाउंड्री है। असल भाई
स्ट्राइक चेंज नहीं होगी, स्ट्राइक पर वही रहेगा नया बल्लेबाज। अरे भाई तू चल सिंगल डबल मत छोड़िए, आप सब भाग गया। न्यूजीलैंड पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, इनको यहाँ लाया गया है इस मैच करके। भाग जा, भागो यार। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, 11 गेंदों में मात्र 6 छक्के चाहिए अब जीत के लिए। सुनो ओए सुनो सुनो, जाके बोल दे सिंगल भाग जाएगा बाद, छोड़िए आते हुए छुड़ी तो भाग जाएगा बाद, जाके बोल उनका सिंगल भाग जाएगा बाद, छुट्टी तो वहीगा नहीं छूटी तब, छूटी तब। पांडे सर के बल्ले से आ गया, खूबसूरत शॉट निकलता है, फायर के अंदर वे छह रन बहुत ही लाजवाब। 5 छक्के चाहिए अब यहाँ से जीत के लिए, मात्र 5 छक्के चाहिए, 10 गेंदों में 5 छक्के, 10 गेंदों में 5 छक्के की जरूरत।9 गेंदे 25 रन मेरे ख्याल से, भाई थोड़ा और बाहर जाइए, भैया अमन भाई थोड़ा सा बाहर जाइए आप, बस बस ठीक है। डबल भाग फुल टॉस गेंद, डबल भाग रेंदे 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 रेंदे, सात गेंदे 22 रन। और एक और छक्का सोनू के बल्ले से लाजवाब छक्का, जीत के लिए सोनू का 50 रन बना के सोनू बल्लेबाजी कर रहा है यहाँ पर। कौन रन चाहे छह गेंदों में 20 रन, मैच एकदम रोमांच बना हुआ है, 6 गेंदों में मात्र 20 रन चाहिए।
राइट आर्म ओवर द मीडियम फास्ट। दूसरा ओवर इनका लास्ट ओवर। काफी क्लोज कांटेक्ट। राइट आर्म ओवर द मीडियम फास्ट। छह गेंदों में 20 रन चाहिए। बहुत ही रोमांचक मैच, मैच जिस तरह का होना चाहिए उसी तरह का होता हुआ, एकदम ताबड़तोड़ मैच होता हुआ। पांच गेंदों में 19 रन, तीन छक्के चाहिए अब यहाँ से। सुनो अंदर खड़ा रहना अंदर भैया। अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों, पांच गेंद शेष है। पांच गेंदों में 19 रन की जरूरत है। चार गेंदे 19 रन। ठीक है चार गेंदे 19 रन। तीन गेंदे 18 रन। दौड़ के ना दौड़ के। एक और विकेट का पतन, तो अब यहाँ मैच जीत चुकी है ये टीम। बढ़िया साइड से नहीं, बहुत बढ़िया। दो गेंद में 18 रन की जरूरत है। एक गेंद में 17 रन, एक गेंद में 17 रन। बढ़िया बॉल है, रात बढ़िया बॉल। एक है ना पैर। माहौल लगभग जीत की तरफ। अनवारी की जीत के मुकाम पर पहली इंसान। धन्यवाद कहता हूँ यहाँ के जो अफसर भाई, उन्हें अपनी टीम को लगाता हो।